रहे हैं लूम सोलर यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमोल आनंद। सोलर एक टेक्निकल प्रोडक्ट है और इसे बाय करने से पहले कुछ बातों का हम सबको पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग जा रहे हैं अनबॉक्स करने लुमिनस का सोलर कन्वर्जन किट शाइन 2420। अनबॉक्सिंग से पहले आइए जानते हैं इस वीडियो को देखने के बाद 5 सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होगी। पहला, सोलर कन्वर्जन किट का यूज कैसे करें। दूसरा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। तीसरा, सोलर कन्वर्जन किट या रेट्रोफिट को कैसे इंस्टॉल करें। चौथा, अननोन फैक्ट्स अबाउट दिस प्रोडक्ट। और पांचवा, शाइन 2420 का सिमिलर प्रोडक्ट कौन कौन सा मार्केट में अवेलेबल है। हैंड इट्स अ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट, सोलर कन्वर्जन किट शाइन 2420। Look at this, this looks very nice. The packaging is very nice. In the picture it has been shown that there is a LCD display. We will find it out after this. Let's look out the key features. It converts normal inverter into solar inverter. That means agar aapke ghar mein normal inverter hai aur aap solar mein convert karna chahte hain to ye device buy karna must hai. Iske bina aap solar mein upgrade nahi kar payenge. After that talks about automatic selection of 12 and 24 volt battery system. Generally हमारे घर में single battery या फिर double battery inverter होता है, तो ये सिर्फ ये उन्हीं के साथ काम करेगा। अगर आपके घर में 4 battery वाला inverter है तो उसके साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये 12 और 24 volt battery system को support करते हैं। इसमें priority solar को दी गई है ताकि अधिक से अधिक चार्जिंग सोलर से हो और बिजली का बिल कम आए। यह 400 वाट तक के सोलर पैनल को सपोर्ट करता है अगर आपके घर में सिंगल बैटरी इन्वर्टर है, और 800 वाट सोलर पैनल को सपोर्ट करता है अगर आपके घर में डबल बैटरी इन्वर्टर है। यानी कि सिंगल बैटरी इन्वर्टर पे आप 400 वाट से ज्यादा का पैनल कनेक्ट नहीं करना चाहिए आपको, और अगर डबल बैटरी इन्वर्टर है तो 800 वाट से ज्यादा का पैनल कनेक्ट नहीं करना चाहिए। Now let's look out the MRP sticker. It's 20 ampere is the rating of this product. It has been made in September 2017 and the MRP is 2995, and this is a made in India product, made into Solan Himachal Pradesh. And find it out what is all inside the packaging. So there is a warranty card and there is the product itself. So as I was talking about, there is a LCD display here, and let's look out the details in the warranty card. So there is two languages in which the warranty card is printed. One is Hindi and second is the English. On the warranty card itself, it is talking about the details of LCD messages which will be displaying on the LCD product, and the company is offering 1 year warranty on this product. The product in detail, and after that we will get into the technical details. So there are two holes given here. Iska matlab hai ki ye ek wall hanging device hai. Aap isko wall pe aise mount kar sakte hain. इसके साथ 3 स्विचेस दिए गए हैं। अगर आपके घर में फ्लैट प्लेट बैटरी है तो इसे हम फ्लैट प्लेट पर रखेंगे, अगर आपके पास ट्यूबुलर बैटरी है तो इसे हम ट्यूबुलर पे ऑन कर देंगे। इसके साथ 2 और स्विचेस दिए गए हैं। सेकेंड स्विच तब काम करेगा जब आप पहले को ऑन करेंगे। मैनुअल का मतलब यह है कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी बैटरी सिर्फ सोलर से चार्ज हो तो आप इसको सोलर से ऑन करके रखेंगे। अगर आप इसको 100% सोलर पे ऑन करके रखेंगे तो आपका जो बैटरी है सिर्फ सोलर से चार्ज होगा, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करेगा। अगर आप इसको चार्जर मोड पे रखते हैं तो ये जो डिवाइस है आपके नॉर्मल इन्वर्टर के साथ सिंक हो जाता है, और यह ग्रिड यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और सोलर पैनल दोनों से बैटरी को चार्ज करेगा। अगर आपको सिर्फ सोलर से चार्ज करना है तो आप इसको मैनुअल मोड पे रखिए। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम में जो एल्गोरिथम दिया हुआ है उसके जैसे ही ये आपका सिस्टम काम करे तो आप इसको ऑटो मोड पे
रखेंगे कि जो 6 एम्पीयर का सॉकेट दिया गया है इसके अंदर जो इन्वर्टर का प्लग है वो लगेगा, और ये जो तो वायर दी गई है ये मेंस इनपुट है, यानी कि आप इसको मेंस के साथ कनेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट के बैक साइड में आपको पैनल और बैटरी से कनेक्शन के लिए स्पेस दिया हुआ है। यू कैन सी हियर 400 वाट तक का पैनल आप सिंगल बैटरी पे कनेक्ट कर सकते हैं, और 800 वाट पीक तक का पैनल आप 24 वोल्ट यानी दो बैटरी पे कनेक्ट कर सकते हैं। पैनल से जो दो वायर आएंगी, पैनल का पॉजिटिव वायर यहाँ पे और नेगेटिव वायर यहाँ पे, और बैटरी का पॉजिटिव वायर यहाँ पे और नेगेटिव वायर यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट का डिटेल्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखने के लिए हमने वारंटी कार्ड का पेज नंबर 4 ओपन किया है। जैसा कि हम बात कर रहे थे थ्रू आउट द वीडियो, यह शाइन 2420 20 एम्पीयर रेटेड सिस्टम है जो कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट सिस्टम के साथ काम करते हैं। सिंगल बैटरी में आप 1000 VA तक के इन्वर्टर कनेक्ट कर सकते हैं, वहीं डबल बैटरी में आप 2 KVA तक के इन्वर्टर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोडक्ट का वेट 1.3 kg है और इसकी एफिशिएंसी 95% है। जैसा कि हमने बात किया था, हम इसमें सिंगल बैटरी पे 400 वाट तक के पैनल कनेक्ट कर सकते हैं और डबल बैटरी में 800 वाट तक के पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि जो आप पैनल कनेक्ट करेंगे उसका ओपन सर्किट वोल्टेज 24 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आपके पास सिंगल बैटरी इन्वर्टर है, और अगर आपके पास डबल बैटरी इन्वर्टर है तो पैनल का ओपन सर्किट वोल्टेज 48 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ कनेक्शन के लिए जब आप सोलर कन्वर्जन किट को इन्वर्टर या फिर ग्रिड के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसके लिए रिकमेंडेड है कि आप 6 square mm वायर का यूज करें। हाउ टू इंस्टॉल सोलर कन्वर्जन किट शाइन 2420। जैसा कि आप सेटअप में देख पा रहे हैं, एक इन्वर्टर है, बैटरी है जो कि ऑलरेडी आपस में कनेक्टेड है। सोलर में अपग्रेड करने के लिए हमें दो डिवाइस चाहिए होते हैं, पहला सोलर कन्वर्जन किट और दूसरा सोलर पैनल। आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए हमने एक सोलर पैनल धूप में इस ऑफिस के बाहर रखा है जहां से दो वायर आ रही है। पैनल का पॉजिटिव वायर हमने सोलर कन्वर्जन किट के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, वहीं पैनल का जो नेगेटिव वायर है हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव से आने वाले वायर को हमने रेट्रोफिट के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, वहीं नेगेटिव टर्मिनल के से आने वाले वायर को हमने रेट्रोफिट के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। जैसा कि आप डिस्प्ले में देख पाते हैं, पीवी स्टेटस ओके, यानी कि पैनल सही से इस डिवाइस से कनेक्टेड है। यह डिवाइस अभी बैटरी वोल्टेज 13.9 V दिखा रहा है, यानी कि जो बैटरी की एक्चुअल वोल्टेज है वो डिस्प्ले कर रहा है, और ये डिस्प्ले कर रहा है कि पीवी करंट, जैसा कि आप अभी आप देख पा रहे थे 1 एम्पियर, अभी पैनल से 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस हो रहा है। रेट्रोफिट के साइड बटन्स में 3 स्विचेस दिए हैं जो कि सेटिंग्स का काम करता है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये जो बटन है बैटरी सिलेक्शन स्विच है, अगर आप इसको फ्लैट पे रखेंगे तो फ्लैट प्लेट दिखाएगा, और ट्यूबलर रहेगा तो ट्यूबलर दिखाएगा। अगर आपके पास ट्यूबलर बैटरी है तो आप ट्यूबलर बैटरी पे स्विच को रखेंगे, और ये सेटिंग्स में दिखा भी रहा है। इसके साथ 2 और बटन दिए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी सिर्फ सोलर से चार्ज हो तो आप इसको मैनुअल मोड पे रखेंगे और यहाँ पे स्विच में करेंगे 100% सोलर। तो आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले में मोड 100% सोलर, यानी कि आपकी बैटरी की चार्जिंग सिर्फ सोलर से होगी। यह सिस्टम 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों डिवाइस पे काम करता है, क्योंकि अभी इसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है, इसलिए सेटिंग्स में और डिस्प्ले में ये दिख रहा है कि ये 12 वोल्ट डिवाइस से कनेक्टेड है। अगर आप सोलर कन्वर्जन किट बाय करने की सोच रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए है। लुमिनस का सोलर कन्वर्जन किट शाइन 2420 20 एम्पियर 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में उपलब्ध है। वही माइक्रोटेक का सोलर मैनेजमेंट यूनिट SMU 3012 एंड 3024 12 वोल्ट एंड 24 वोल्ट में मार्केट में अवेलेबल है। सुकैम ने भी सोलर कॉन के नाम से 12 वोल्ट एंड 24 वोल्ट में सोलर कन्वर्जन किट लॉन्च किया है। हम चाहते हैं अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो में अनआंसर्ड रह गया हो, या फिर हमने कोई ऐसा टॉपिक जो नहीं टच किया हो, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।